हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल यूपीएससी मैथ। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास ट्वेल्थ की एक्सरसाइज 5.2 के बेसिक के बारे में चर्चा करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको फॉर्मूले सिद्ध करके दिखाए थे त्रिकोणमिति फलन के। त्रिकोणमिति फलन के जितने भी अवकलज के फॉर्मूले होते हैं, वो सारे फॉर्मूले मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में प्रूव करके दिखाए थे। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में जो हमें लघुगणक के फंक्शन होते हैं, यानी लॉगरिथमिक फंक्शन होते हैं, उनको हमें प्रूव करके देखना है, ठीक है। उनके फॉर्मूले को हमें सिद्ध करके देखना है। तो आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट होने वाला है। जितने भी फॉर्मूले आपके रह गए थे, वो सारे फॉर्मूले में आज के लेक्चर में आपको सिद्ध करके दिखाऊंगा। आज का लेक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप देखिए सभी बच्चे, बोर्ड पे आपके सामने एक स्टेटमेंट लिखा गया है कि सिद्ध कीजिए कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स का अवकलज ए की पावर एक्स लॉग बेस ई ए होता है, ठीक है। अगर लॉग के बेस में कुछ नहीं लिखा हुआ तो वहाँ पर हमेशा ई माना जाएगा, ठीक है। अगर कहीं पर केवल ये लिखा हुआ है लॉग ई और बेस में कुछ वैल्यू नहीं लिखी है, तो हमेशा ध्यान रखना है कि लॉग का बेस क्या होता है, ई होता है, यहाँ पर ई माना जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पर नहीं भी लिखा है तो फिर भी यहाँ पर ई आपको मान के चलना है, यहाँ पर हमेशा ई होता है, ये फिक्स है, ठीक है। तो देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स का अवकलज ए की पावर एक्स लॉग बेस ई ए होता है, अर्थात डी अपॉन डी एक्स ए की पावर एक्स का अवकलज यानी डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन क्या होगा, ए की पावर एक्स लॉग बेस ई हो, ठीक है। लॉग बेस ई ए यानी लॉग ए बोल सकते हैं आप सीधा इसको, ठीक है, कि ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, लॉग ए की पावर एक्स लॉग ई, ठीक है। तो ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था, मैं आपको सारे रिजल्ट पहले प्रूव करके दिखाऊंगा और देन इसके बाद आपको ये रिजल्ट को याद रखना है, ठीक है। तो अब डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिए, देखिए सबसे पहले आपको प्रूव क्या करना है कि a की पावर x का अवकलज a की पावर x log a होता है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आप यहाँ पर सॉल्यूशन लिख ले, हमें इसको सिद्ध करना है, प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, प्रूफ, ठीक है। हिंदी वाले बच्चे क्या लिखेंगे, उपपत्ति। अब देखिए ध्यान से, हमें जो गिवन है पहले फंक्शन, जिस फंक्शन का हमें निकालना है पहले आप उसको लिख ले, गिवन यानी दिया है। देखिए ध्यान से क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें, कि जो एफ एक्स फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, वो क्या है, ए की पावर एक्स है, इसका डेरिवेटिव आपको ए की पावर एक्स लॉग बेस ई ए प्रूव करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, प्रथम सिद्धांत की आप हेल्प लेते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल लॉ से मैंने आपको सारे सूत्रों को सिद्ध करना सिखाया था, तो इस सूत्र को भी हम फर्स्ट प्रिंसिपल लॉ से ही सॉल्व करेंगे, ठीक है, प्रूव करेंगे। तो देखिए अब यहाँ पर क्या करना है, x के प्लेस पर आपको x प्लस एच पुट करना होता है, यहाँ पर a सेम रहेगा, x ऊपर है तो x के प्लेस पर आपको x प्लस में h पुट करना है, ठीक है। इसके बाद देखिए आपको क्या पता है कि फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल लॉ यानी प्रथम सिद्धांत से, हिंदी वाले बच्चे क्या लिखेंगे, प्रथम सिद्धांत से देखिए, प्रथम सिद्धांत का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि डी अपॉन डी एक्स एनी फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन, एनी फंक्शन मतलब जो भी हमारे पास फलन होगा उसका हमें अवकलन निकालना है, ठीक है। तो अब देखिए फॉर्मूला क्या था, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, यहां पर देखिए f ऑफ x प्लस एच माइनस में एफ एक्स अपॉन में h, ये होता है फर्स्ट प्रिंसिपल लॉ, ठीक है। अब यहां पर आपको वैल्यू पुटअप करनी है, तो d अपॉन डी एक्स एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, देखिए ध्यान से f ऑफ x प्लस एच की वैल्यू क्या है, f ऑफ x प्लस एच की वैल्यू है a की पावर x प्लस एच, a की पावर x प्लस एच, बीच में माइनस है, और f ऑफ x कितना है a की पावर x, वैल्यू पुट कर रहा हूँ खाली अपॉन में क्या चल रहा है h, ठीक है। अब इसको देखिए साइड में, d अपॉन डी एक्स किसके इक्वल चल रहा है, d अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे देखिए पहले लिमिट आप सेम रखें, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, देखिए यहाँ पर आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है, एक एक स्टेप आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है।
ए की पावर एक्स प्लस एच लिखा है, यानी यहाँ पर आप इसकी पावर को ब्रेक कर दो। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए ए की पावर एक्स प्लस एच को हम क्या लिख सकते हैं, ए की पावर एक्स इंटू में ए की पावर एच लिख सकते हैं, क्योंकि अगर बेस सेम होते हैं तो जो उसकी आपस में एक्सपोनेंट होती है, पावर होती है, वो ऐड हो जाती है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, पावर को ब्रेक कर दिया यहाँ पर। ठीक है, मल्टीप्लाई में पावर को ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब देखिए, तो अब यहाँ पर बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया। फिर देखिए माइनस का ए, ए की पावर एक्स चल रहा है, तो माइनस का ए की पावर एक्स मैंने सेम लिख दिया, अपॉन में क्या चल रहा है, एच। ठीक है, इसको लिख दिया एज इट इज। अब आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है, देखिए इसके बाद डी अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। यहाँ पर देखिए दोनों में ए की पावर एक्स सेम आ रहा है, तो मैं ए की पावर एक्स को कॉमन निकाल सकता हूँ। ए की पावर एक्स मैंने यहाँ से कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, ए की पावर एच, और यहाँ पर ए की पावर एक्स बाहर कॉमन आएगा तो वन बच जाएगा, अपॉन में क्या बचेगा, एच। ठीक है, अब इसको थोड़ा सही से लिख ले आप, डी अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, देखिए ए की पावर एक्स, देखिए एच की वैल्यू जीरो है, लिमिट है, तो यहाँ पर हम रख नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ तो एक्स है, तो ए की पावर एक्स को आप मल्टीप्लाई में बाहर कर लो, ऐसे करके ए की पावर एक्स मैंने बाहर कर दिया। ठीक है, अब लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, जो ये फंक्शन है ए की पावर एच माइनस में वन अपॉन में एच, इसको आप ऐसे लिख लें यहाँ पर। अब देखिए आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। ठीक है डियर स्टूडेंट, फार्मूला क्या कहता है, यहाँ पर देखना आपको ध्यान से, कि अगर आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो हो जाए और ए की पावर एक्स माइनस में वन अपॉन में एक्स हो जाए, तो इसकी वैल्यू क्या आती है, लॉग ए आती है। ठीक है, अगर बेस में कुछ नहीं लिखा तो यहाँ पर आप ई मान सकते हैं। तो आपको फार्मूला याद रखना है हमेशा के लिए, कि हमेशा क्या होता है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो होनी चाहिए ए की पावर एक्स माइनस में वन अपॉन में एक्स, इसकी जो वैल्यू होती है पूरे की क्या होती है, लॉग बेस ई ई, यानी लॉग ए बोल सकते हैं आप इसको शॉर्ट में। ठीक है ठीक है, तो बात आपको समझ में आ रही होगी। देखिए यहाँ पर एक्स के स्थान पर एच एच है, यानी जो वैल्यू यहाँ पर होगी एंगल में ए के ऊपर वही यहाँ पर होना चाहिए। देखिए अगर यहाँ ए के ऊपर एच है तो यहाँ पर भी एच है, और देखिए यहाँ पर माइनस वन और माइनस वन है, यानी अगर कभी भी लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो ए की पावर एच माइनस वन अपॉन में एच होगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी पूरे की, लॉग बेस ई ई होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है पहले सही से। तो अब देखिए डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पर देखिए ए की पावर एक्स सेम रहेगा और इस पूरे की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू जो होगी लॉग बेस ई ई, क्या होगा, लॉग बेस ई ई। ठीक है, अगर बेस में कुछ नहीं लिखा है लॉग के तो हमेशा ई माना जाता है। तो अब आप इसको सही से लिख लें कि डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स, देखिए हमारा फंक्शन क्या था, एफ एक्स था हमारे पास ए की पावर एक्स, तो यहाँ पर मैं फंक्शन की वैल्यू ए की पावर एक्स पुट कर लेता हूँ, और यहाँ पर देखिए ए की पावर एक्स लॉग बेस ई ई। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर हमने एक फार्मूला सिद्ध कर दिया है, ये रिजल्ट आपको याद रखना है, क्वेश्चन में डायरेक्टली यूज होगा। ठीक है, देखिए कि डी अपॉन डी एक्स ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ए की पावर एक्स लॉग बेस ई ई। ठीक है, तो ये फार्मूला, ये रिजल्ट आपको अलग कॉपी में लिख कर किसको याद करना है, तो पहले सभी बच्चे इसको नोट कर लिए बिल्कुल सही से। अब डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिए, सेकेंड फार्मूला आपको प्रूव करना है, कि सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स का अवकलज ई की पावर एक्स होता है, अर्थात डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स। ठीक है, इसको आप यहाँ पे 9 नंबर लिख ले। देखिए आपको क्या सिद्ध करना है, कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, चरघातांकीय फलन होता है, उसका अवकलज यानी डिफरेंशिएशन हमेशा ई की पावर एक्स होता है। ठीक है, ये रिजल्ट आपको प्रूव करना है, तो देखिए इसको हम प्रूव करना स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यहाँ पर सॉल्यूशन आप लिख लें, देन इसके बाद हमें प्रूफ करना है, तो यहाँ लिख लो प्रूफ। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे क्या लिखते हैं, उपपत्ति। तो अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले गिवन, गिवन का मतलब दिया है। ठीक है, जो क्वेश्चन में जो फंक्शन आपको दिया हुआ है वो आपको लेकर चलना है, उसको प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स कितना है, ई की पावर एक्स है, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका अवकलज आपको ई की पावर एक्स प्रूव करना है। ठीक है,
तो देखिए प्रथम सिद्धांत से इसको हम सिद्ध करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, x के प्लेस पर हम क्या करते हैं, x प्लस में h। फर्स्ट प्रिंसिपल लॉ में क्या होता है, जहाँ फंक्शन में x होता है वहाँ हम x प्लस h पुट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए x है तो यहाँ पर आप x प्लस h पुट कर लें ऐसे, ठीक है। अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल लॉ, फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल लॉ देखिए प्रथम सिद्धांत से का जो रूल है, नियम है, उससे हम क्या करते हैं, देखिए हिंदी वाले क्या लिखेंगे, प्रथम सिद्धांत से, प्रथम सिद्धांत से, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, डी अपॉन डी एक्स एनी फंक्शन एफ ऑफ एक्स लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस में एफ एक्स अपॉन में एच, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो डी अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स तो चलता रहेगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, देखिए ध्यान से एफ ऑफ एक्स प्लस एच, देखिए एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू क्या है, e की पावर एक्स प्लस एच, तो यहां पर पुट कर ले आप e की पावर एक्स प्लस एच, बहुत बढ़िया। अब देखिए माइनस सेम है एफ ऑफ एक्स, देखिए फलन की वैल्यू क्या, e की पावर एक्स, यहां पर पुट कर ले आप e की पावर एक्स, ठीक है। अपॉन में क्या चल रहा है, एच, चलो। अब देखिए डी अपॉन डी एक्स e की पावर एक्स, यहाँ पर देखिए e की पावर x आप बाद में लिखे, यहाँ पर फंक्शन चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर पहले फंक्शन आप लिख ले f ऑफ x, बाद में लिख देंगे एफ एक्स की वैल्यू e की पावर x यहाँ से देख करके, ठीक है। अब देखिए राइट में क्या चल रहा है, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा e की पावर x प्लस h लिखा है, इसकी जो पावर है वो आप यहाँ पर ब्रेक कर सकते हैं, पावर को आपको तोड़ के लिखना है, ठीक है। देखिए कैसे लिखेंगे पावर को तोड़ के, देखिए ध्यान से e की पावर x मल्टीप्लाई में और e की पावर h मल्टीप्लाई में, देखिए बे सेम होने पे पावर से ऐड होती है, अगर बे सेम है फिर हमें क्या मिलेगा, e की पावर x प्लस h मिल जाएगा, ठीक है। बे सेम होने पे पावर से ऐड होती है, फिर माइनस e की पावर x अपॉन में h चल रहा है, ठीक है, चलो। d अपॉन डी एक्स एफ ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, अब देखिए ध्यान से e की पावर x दोनों में कॉमन आ रहा, तो e की पावर x को कॉमन निकाल लो, तो क्या बचेगा, e की पावर h माइनस में वन अपॉन में h। अब देखिए h की लिमिट जीरो है, h की लिमिट हम बस यहाँ पे रख सकते, लेकिन यहाँ नहीं रख सकते, यहाँ तो x है भाई, यहाँ पर वेरिएबल x आ रहा है, तो इसका मतलब e की पावर x को मैं बाहर निकाल लूँगा, ठीक है। तो इसको आपको लिखना कैसे है, इस स्टेप के बाद आपको इसको कैसे लिखना है, देखिए ध्यान से e की पावर x को आपको बाहर निकाला, लिमिट से बाहर, तो e की पावर x बाहर आएगा। अब इस पर लिमिट आपको लगानी है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है लिमिट, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो e की पावर h माइनस में वन अपॉन में h, ठीक है। क्या किया मैंने कि e की पावर x को मैंने बाहर कर दिया, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो e की पावर h माइनस वन अपॉन में h पर मैंने लिमिट लगा लिया, ठीक है। अब आपको याद होगा आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, एक इसमें सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है लिमिट का, देखिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि लिमिट x टेंडिंग टू जीरो हो जाए e की पावर x माइनस में वन, यानी जो यहाँ पे लिखा होगा पावर में e के, वो अगर इसके नीचे लिखा है ऐसे करके, तो इसकी वैल्यू वन होती है हमेशा, ठीक है। दोबारा सुन लो ध्यान से कि लिमिट x टेंडिंग टू जीरो हो जाए e की पावर x माइनस वन अपॉन में x, यानी पावर का जो लंबन नीचे लिखा हो सेम सेम, देखिए x x लिखा हुआ है और यहाँ पर क्या होना चाहिए, माइनस वन होना चाहिए, तो इसकी वैल्यू कितनी मिलती है, वन मिलती है। तो ये फॉर्मूला है, इसको आप याद कर ले इस सूत्र को सिद्ध करने के लिए, ठीक है। फॉर्मूला क्या कहता है कि लिमिट x टेंडिंग टू जीरो e की पावर x माइनस वन अपॉन में x इक्वल टू वन, यानी इसकी वैल्यू क्या होती है, वन होती है, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए d अपॉन डी एक्स एफ ऑफ x इक्वल टू e की पावर x, तो आपको सेम रखना है। अब देखिए ध्यान से मल्टीप्लाई लगा दिया मैंने पहले, अब देखिए इस पूरे की वैल्यू कितनी होती है, वन होती है। देखिए यहाँ पर h, देखिए h की लिमिट जीरो है,
यहाँ अगर एच है तो यहाँ पर भी एच होना चाहिए और यहाँ पर देखिए माइनस वन होना चाहिए, तो वो है पहले से। तो अब देखिए लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो ई की पावर एच माइनस वन अपॉन में एच, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू वन होगी। किस सूत्र से होगी, इस वाले फॉर्मूले से, हमने इसकी वैल्यू वन कर दी। ठीक है, अब देखिए डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स, देखिए फंक्शन कितना था, ई की पावर एक्स था, एफ एक्स की वैल्यू पुट कर लो ई की पावर एक्स, और ई की पावर एक्स की वन से मल्टीप्लाई तो ई की पावर एक्स। अब देखिए हमने क्या प्रूव कर दिया कि डी अपॉन डी एक्स यानी डिफ्रेंसिएशन ऑफ ई की पावर एक्स का क्या होता है, ई की पावर एक्स होता है, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, यहाँ आप लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। तो डियर स्टूडेंट ये रिजल्ट भी आपको समझ में आया होगा, इसको आपको डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है, इसको आपको डायरेक्ट एज ए फॉर्मूला याद कर लेना है क्योंकि ये क्वेश्चन में डायरेक्ट अप्लाई होगा। ठीक है, तो पहले सभी बच्चे इसको नोट कर ले। अब देखिए डियर स्टूडेंट आपको प्रूव क्या करना है, देखिए सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ लॉग के बेस में कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब ई होता है। ठीक है, अगर लॉग के बेस में कुछ नहीं है तो ई माना जाता है हमेशा, क्योंकि इसका बेस ही ई होता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, लॉग बेस ई एक्स। ठीक है, लॉग बेस ई एक्स। ठीक है, तो बेस में ई होता है तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, लॉग एक्स पढ़ते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स का अवकलज वन अपॉन एक्स होता है, अर्थात डिफ्रेंसिएशन ऑफ लॉग एक्स इक्वल टू वन अपॉन एक्स, यानी लॉग एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है, डेरिवेटिव होता है, वो आपको क्या प्रूव करना है, वन अपॉन एक्स प्रूव करना है। ठीक है, तो अब देखिए पहले ध्यान से कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ सॉल्यूशन लिख लें इसका, उसके बाद प्रूफ आपको सिद्ध करना है, प्रूफ करना, तो यहाँ लिख दिया मैंने प्रूफ। हिंदी माध्यम वाले बच्चे क्या लिखेंगे, उपपत्ति। ठीक है, चलो अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले आप यहाँ गिवन लिख ले, एक सिस्टम के हिसाब से मैं आपको समझाऊंगा, सीक्वेंस के हिसाब से। तो गिवन को हिंदी में क्या बोलते हैं, दिया है। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे फंक्शन क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स, बेस में ई होता है, हमेशा ई माना जाता है, अगर नहीं लिखा है कभी ई तो हमेशा ई होगा। ठीक है, ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए प्रथम सिद्धांत हम सिद्ध करते हैं, तो x के स्थान पर क्या रखेंगे, x प्लस एच। ठीक है, यहाँ पर देखिए log सेम है, x के स्थान पर यहाँ आपको क्या रखना है, x प्लस में h। ठीक है, अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल लॉ, फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल लॉ यानी प्रथम सिद्धांत से, प्रिंसिपल लॉ, फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल लॉ का क्या मतलब है, प्रथम सिद्धांत से। हिंदी माध्यम वाले बच्चे क्या लिखेंगे, प्रथम सिद्धांत से, प्रथम सिद्धांत से। ठीक है, प्रथम सिद्धांत से देखिए फॉर्मूला क्या होता है, d अपॉन डी एक्स एनी फंक्शन यानी f ऑफ x, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन में एच। ठीक है, डी अपॉन डी एक्स इसको रख दो एज इट इज, एफ ऑफ एक्स लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। अब देखिए वैल्यू पुट कर लो यहां पर, एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू कितनी है, एफ एक्स प्लस एच लॉग बेस ई, ठीक है, ब्रैकेट में x प्लस एच ये। ठीक है, अब देखिए माइनस सेम रख दिया, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, लॉग बेस ई एक्स। ठीक है, अब देखिए अपॉन में क्या चल रहा है, h। चलो अब इसके बाद यहाँ से देखिए इसको, d अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स को रख दिया मैंने एज इट इज। अब यहाँ पर देखिए लिमिट, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ठीक है, आपको एक फॉर्मूला याद होगा, देखिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, पहले ऊपर आपने क्या पढ़ा था लॉग में कि लॉग m माइनस में लॉग n, कहीं पर अगर लॉग में दो नंबर माइनस में लिखे है ना, कि लॉग m माइनस में लॉग n, इसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग m अपॉन n। ठीक है, जब भी अगर लॉग माइनस में होता है उसको हमेशा हम डिवाइड में लिखते हैं, अगर डिवाइड में है लॉग के आगे दो नंबर तो उसको हम माइनस में लिखते हैं, तो ये इसकी प्रॉपर्टी है।
ठीक है, ये आपको याद होनी चाहिए, केमिस्ट्री में आपने बहुत पढ़ी होगी इसको, ठीक है, केमिस्ट्री में भी है ही। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि log x प्लस एच यानी इसको मान लो आप m और ये मान लो x को n, ठीक है, x प्लस एच को आप m मान लो यानी log m माइनस में log n और x को आप n मान लो, तो यानी अगर ये log में दो नंबर माइनस में लिखे गए इसको हम अपॉन में लिख सकते हैं। तो इसको लिखने का तरीका क्या, देखिए यहाँ से पहले log लेंगे आप, log ये वाला log, ठीक है, बेस में अगर कुछ नहीं तो e मान सकते हैं आप। चलो देखिए ये लिया मैंने log, अब देखिए a यानी m क्या है, ये रहा x प्लस m, m की वैल्यू क्या x प्लस h है, तो यहाँ पर पुट कर लिया आप x प्लस h अपॉन में n, n मैंने किसको माना, x को माना, खाली x को, ठीक है, ये x इसके साथ होता है मल्टीप्लाई में ऐसे x, ठीक है, अपॉन में क्या आएगा x, और फिर अपॉन में क्या चल रहा था, अपॉन में चल रहा था h, h को आपको सेम लिखना है ऐसे, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद के स्टेप को आपको ध्यान से देखना है, यहीं पर बच्चों को समझ में नहीं आता है इसलिए ध्यान दीजिएगा। लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, इसको तो मैंने सेम लिख लिया है, ठीक है, लॉग बेस e सेम है, यहाँ पर एलसीएम कर रहा हूँ ब्रैक, ठीक है, एलसीएम कर रहा हूँ ब्रैक, तो यानी x अपॉन में एक बार x कर दूंगा, x के अपॉन में एक बार x का डिवाइड प्लस एज इट इज है, और h के अपॉन में एक बार x का डिवाइड, h के अपॉन में एक बार x का डिवाइड, ठीक है, अपॉन में क्या चल रहा है h, ठीक है। चलो अब देखिए d अपॉन डी एक्स f ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, यहाँ पर ध्यान देना है x से x वन टाइम कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, log बेस e ब्रैकेट में वन, इसका वन हो जाएगा, वन प्लस एच अपॉन एक्स और अपॉन में क्या चल रहा है h, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट एक फार्मूला आपको याद होना चाहिए, देखिए फार्मूला मैं अभी लिखता हूँ, पहले आपको यहाँ पर एक काम करना पड़ेगा, देखिए इसको लाइन खींच लो पहले, यहाँ पर देखिए d अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, ठीक है, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, अब देखिए log बेस ही सेम रख दिया मैंने, अब यहाँ पर आपको क्या करना है वो आपको ध्यान से समझना है। देखिए log में एक सूत्र क्या होता है, प्रॉपर्टी होती, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है, log की प्रॉपर्टी में यह आपने लिख लिया होगा, इसको हटाकर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, देखिए ध्यान से, log में एक सूत्र होता है देखिए लिमिट का, कि यदि अगर कहीं पर ऐसे लिखा है कि लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, ठीक है, log वन प्लस एक्स अपॉन में x, अगर कहीं पर ऐसे आपको दिख रहा है लिमिट का एक ये फॉर्मूला है, अगर आपको नहीं याद है तो इसको लिख ले और इसको याद कर ले, ठीक है, कि लिमिट x टेंडिंग टू जीरो log log में जो बेस होता है ना इसका e होता है log का, वो आपको ध्यान रखना है, तो लिमिट x टेंडिंग टू जीरो log वन प्लस एक्स अपॉन में x, यानी यहाँ पर x और यहाँ पर x और यहाँ पर 1 हो तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू टोटली 1 होती है, ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए ध्यान से, तो d अपॉन डी एक्स एफ एक्स मैंने बिल्कुल सेम रख दिया है, अब देखिए इसके लिए मुझे क्या चाहिए, अपॉन में h चल रहा था, मैंने यहाँ पर पहले h लिख दिया, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर x होता है, देखिए यहाँ पर देखिए फॉर्मूले में x होता, अगर यहाँ x है तो यहाँ पर भी x होना चाहिए, अब यहाँ क्या लिखा है, 1 के आगे क्या लिखा है, h अपॉन x लिखा है, तो मुझे यहाँ पर भी क्या चाहिए होगा, h अपॉन में x चाहिए होगा, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर इस h में x का डिवाइड और x का मल्टीप्लाई करा दूंगा ऐसे, ठीक है, क्या किया मैंने फॉर्मूला बनाने के लिए, क्योंकि मेरे पास क्या होता है फॉर्मूला, लिमिट या देखिए लिमिट x टेंडिंग टू जीरो log 1 प्लस x अपॉन x की वैल्यू 1 होती है, यानी यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, x होना चाहिए, पर यहाँ पर क्या था, h अपॉन x था, तो मैंने क्या किया, इस h में x का डिवाइड और x का मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है। अब देखिए अब इसको यहाँ पर देखिए आप, पहले इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ, यहाँ पर आपको समझ में आएगा ये एकदम क्लियर, ठीक है, इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है, तो आपको इसको ध्यान से करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर इधर क्या चल रहा था, d अपॉन डी एक्स एफ एक्स चल रहा है, ठीक है। चलो अब राइट में देखिए, ये जो यहाँ पर देखिए x है ना, अब मैं क्या करूँगा कि
कि ऊपर तो 1 मान के x को बाहर कर दूंगा, तो यानी मैंने क्या किया, 1 अपॉन x बाहर लिख दिया, ऊपर से 1 मान करके x को बाहर कर दिया। अब ये लिमिट लगा दूंगा मैं इस पर, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो और लॉग बेस में ई है और ब्रैकेट में क्या है, 1 प्लस में एच अपॉन एक्स अपॉन में, जब मैंने एक्स बाहर कर दिया अपॉन में से, तो यहाँ क्या बचेगा, एच अपॉन में एक्स बच जाएगा, ठीक है। अब देखिए, डी अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स सेम रहेगा। अब देखिए डियर स्टूडेंट, मैंने क्या बताया था कि लिमिट एक्स टेन इंटू जीरो लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स अगर कहीं पर लिखा है तो इसकी वैल्यू कितनी होती, 1। देखिए सेम यहाँ पर लिखा है, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो लॉग 1 प्लस एच अपॉन एक्स अपॉन में एच अपॉन एक्स, ठीक है। जो एंगल यहाँ पर है वही एंगल यहाँ पर है, देखिए अगर यहाँ पर एच अपॉन एक्स है तो यहाँ पर भी सेम लिखा हुआ, जो चीज़ यहाँ होती है अगर वो यहाँ है और प्लस में 1 चल रहा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी पूरी की, ठीक है। लिमिट इसकी 0 होनी चाहिए, तो देखिए यहाँ पर 0 है पहले से, तो यानी इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी पूरी की, इस वाले सूत्र से, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए आगे, डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स कितना है, देखिए एफ एक्स फंक्शन कितना था मेरे पास, लॉग बेस ई एक्स था, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर पुट कर दिया और फिर यहाँ पर क्या बच गया मेरे पास, 1 अपॉन एक्स बच गया, ठीक है। 1 से इसका मल्टीप्लाई कर दो, वही मिल जाएगा। अब देखिए, अब मैंने यहाँ पर क्या प्रूव कर दिया कि डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, यानी लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स होता है। इसको आपको एज ए रिजल्ट याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन में डायरेक्ट अप्लाई होगा फॉर्मूला ये, तो ये मैंने सिद्ध करा दिया आपको, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और जो फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लिखे हैं ना साइड में, ये आपको अलग कॉपी में लिख लेना है और पहले इनको याद करना है। इनको सिद्ध करने से पहले आपको क्या करना है, जो ये लिमिट के फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इनको आपको पहले याद करना है और फिर इसके बाद इसको सिद्ध करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो अब देखिए, पहले इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए डियर स्टूडेंट, आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है कि सिद्ध कीजिए कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का अवकलज 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। अर्थात डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 अपॉन रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये रिजल्ट आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो अब इसको मैं आपको समझाऊंगा, ये रिजल्ट नंबर 11 लिख देना आप आज का, ठीक है, फॉर्मूला। तो पहले मैं आपको इसको सिद्ध करके दिखा रहा हूँ, फिर आपको ये रिजल्ट याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन जब भी मैं आपको समझाऊंगा तो वहाँ पर डायरेक्ट मुझे ये यूज करना पड़ेगा, फिर मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है। तो इसीलिए आप पहले इसको ध्यान से देख ले। आपको प्रूफ क्या करना है, देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 अपॉन रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर होता है, ऐसे आपको प्रूफ करना है। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर सॉल्यूशन लिख ले, उसके बाद आपको प्रूफ करना है, तो यहाँ लिख ले प्रूफ, हिंदी में क्या लिखना है, अगर हिंदी माध्यम वाले हो तो आपको लिखना है उपपत्ति, ठीक है। क्या लिखना है, उपपत्ति, उसके बाद गिवन, गिवन मतलब दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो फंक्शन आपको दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन आपको 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्रूव करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है, एफ एक्स अगर एक फंक्शन है तो इसको हम वाई भी मानते हैं, आपने फर्स्ट ईयर में सीखा होगा, अगर फंक्शन एफ एक्स है तो उसको हम वाई भी मान के चलते हैं, ठीक है, एक ही बात है। तो मैं क्या करूँगा, लेट माना एफ एक्स फंक्शन को मान लूँगा वाई, तो वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स मान लूँगा, ठीक है। मैंने क्या किया है, फलन एफ एक्स को वाई मान लिया। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपने सीखा होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपने चैप्टर नंबर 2 में सीखा होगा 12th क्लास के अंदर, ठीक है। तो अब देखिए सेकंड चैप्टर में आप इसको सीख कर आई हो कि अगर मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए होगी तो मैं क्या करूँगा, देयरफॉर यहाँ पर क्या होगा, जब साइन इधर आएगा लेफ्ट साइड में तो इनवर्स हट जाएगा, यानी यहाँ पर साइन वाई मिल जाएगा आपको और यहाँ बच जाएगा एक्स, ठीक है। चैप्टर 2 में आपने सीखा होगा, अगर इनवर्स में इधर लाऊंगा तो इनवर्स यहाँ से हट जाएगा, यहाँ क्या बन जाएगा, साइन वाई, यहाँ बच जाएगा एक्स,
इसके बाद आपको क्या करना है, बोथ साइड में आपको अवकलन करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। हिंदी वाले बच्चे क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो देखिए अब क्या करना है, दोनों और आपको x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो d अपॉन डी एक्स और x के रेस्पेक्ट में आपको करना है, तो d अपॉन डी एक्स साइन वाई, इसको रख दिया एज इट इज, यहाँ पर x है तो d अपॉन डी एक्स और ऑफ x। ठीक है, x का करना है। अब देखिए ध्यान से, चेन रूल आपने पढ़ा है, फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ा है कि चेन रूल क्या होता है। ठीक है, तो अब देखिए हम कैसे करेंगे, सबसे पहले ये फंक्शन y का है तो हम क्या मानेंगे, इसको मानेंगे पहले कि साइन x लिखा है, तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस x होता है, x के स्थान पे y है तो यहाँ पर y आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर y, यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर y है, अगर x के अलावा एंगल में अगर कुछ और है तो उसका डिफरेंशिएशन दोबारा होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि अगर x के स्थान, अगर एंगल में x के अलावा कुछ और है तो उसका डिफरेंशिएशन दोबारा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर x के अलावा y था तो y का आपको दोबारा करना है, dy वाई अपॉन में डी एक्स, यही होता है चेन रूल। ठीक है, श्रृंखला नियम यही होती है। ठीक है, अब देखिए x का x के सापेक्ष कितना होगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ से आपको dy वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो dy वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन में cos y हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई cos y डिवाइड में आएगा। अब यहाँ पर देखिए dy वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, देखिए 1 अपॉन में cos y चल रहा था, अब देखिए cos y को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए आपको क्या पता है, आपके पास x की वैल्यू साइन y है, यहाँ पर देखिए पहले x की वैल्यू क्या है, साइन y है, और आपको बतानी है कि cos y की वैल्यू कितनी होगी। देखिए तो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है कि साइन स्क्वायर y प्लस में cos स्क्वायर y इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है, फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, 10th क्लास में पढ़ा है आपने। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब क्या करना है आपको, साइन स्क्वायर वाई, तो यहाँ पर देखिए साइन वाई की वैल्यू कितनी है, साइन वाई की वैल्यू एक्स है, ऊपर चल रहा है स्क्वायर, इसको मैंने सेम रख दिया। ठीक है, प्लस फिर यहाँ पर कॉस स्क्वायर वाई है, इसको सेम रख दिया, इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू कितना आएगा, 1 उधर जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा, ठीक है, अगर स्क्वायर हटेगा तो वहाँ पे रूट आएगा राइट में, तो रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर ऐसे बन जाएगा। ठीक है, क्या किया मैंने, देखिए ध्यान से, हमें क्या पता है कि साइन स्क्वायर वाई प्लस में कॉस स्क्वायर वाई की वैल्यू 1 होती है। अब देखिए साइन वाई की वैल्यू मेरे पास एक्स थी, तो मैंने यहाँ पर एक्स रख दिया, ऊपर स्क्वायर था स्क्वायर लगा दिया, तो इसकी वैल्यू मुझे चाहिए थी, तो मैंने क्या किया, इसको तो यहीं पर रख दिया, ये बाहर गया तो माइनस हो गया। अब हमें चाहिए खाली कॉस वाई की वैल्यू, कॉस वाई की वैल्यू कैसे निकलेगी, जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो वहाँ पर रूट आएगा, तो अब देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डायरेक्ट आप यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस वाई को, आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ, कॉस वाई इक्वल टू रूट 1 माइनस में साइन स्क्वायर वाई, ऐसे आप लिख सकते हैं इसको डायरेक्ट, तो मैंने क्या लिख दिया, यहाँ से चाहो तो आप सीधा ये लिख लो और चाहो तो आप सीधा ये लिख लो, इसकी वैल्यू ये वाली पुट कर लो, तो पहले मैं इसको ये लिख लेता हूँ। ठीक है, तो कॉस वाई को मैंने क्या लिखा है, रूट 1 माइनस में साइन स्क्वायर वाई। ठीक है, अब देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस में, देखिए साइन वाई की वैल्यू कितनी थी, साइन वाई की वैल्यू एक्स थी, तो यहाँ पर मैं एक्स पुट कर रहा हूँ। ठीक है, ऊपर स्क्वायर चल रहा तो स्क्वायर आप लगा ले, इसके बाद देखिए डी वाई अपॉन डी अपॉन डी एक्स मैंने सेम रख दिया। अब देखिए इस वाई की वैल्यू क्या है, y मैंने किसको माना है, साइन इनवर्स x को, तो y के स्थान पर आपको क्या रखना पड़ेगा, साइन इनवर्स x। ठीक है, इक्वल टू, और यहाँ पर क्या चल रहा है, 1 अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, इसका मतलब देखिए कि साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, यहाँ लिख लिया हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। तो डियर स्टूडेंट, ये आपको समझ में आया होगा
कि हमें इसको कैसे सिद्ध करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसको सिद्ध करना है। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी क्वेश्चंस, ठीक है, फॉर्मूले। तो अब इसको आपको एज अ रिजल्ट याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन में डायरेक्ट मुझे अप्लाई करना है, इसलिए अब आपको इसको अलग कॉपी में लिख करके इसको याद कर लेना रिजल्ट को, ठीक है। और इसको सिद्ध करना मैंने आपको समझा लिया है, इसको नोट कर ले पहले। अब डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिए, आपको प्रूव क्या करना है कि सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स का अवकलज माइनस वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है, अर्थात डिफ्रेंसिएशन कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस में एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन आपको माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्रूव करके दिखाना है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ आप सॉल्यूशन लिख लें, इसके बाद यहाँ पर लिख लें आप प्रूफ। प्रूफ करना है आपको, ही हिंदी माध्यम वाले बच्चे क्या लिखेंगे, उपपत्ति, ठीक है। इसके बाद ध्यान दीजिएगा यहाँ आपको क्या लिखना है, गिवन। गिवन यानी दिया है, गिवन का मतलब क्या होता है, दिया है, ठीक है। आपको फंक्शन क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। एफ एक्स को हम वाई भी मान के चलते हैं, तो लेट माना वाई, ठीक है। इस फंक्शन को हम वाई मान लेंगे पहले, तो वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा इनवर्स जब हट जाएगा, जब इस फंक्शन को मैं यहाँ से हटाकर इधर लाऊंगा तो इनवर्स हट जाएगा, लेफ्ट में आकर क्या हो जाएगा, इनवर्स हट जाएगा। तो देयर फॉर यहाँ पर क्या बन जाएगा, कॉस जब लेफ्ट में आएगा तो क्या बन जाएगा, कॉस वाई, और यहाँ क्या बच जाएगा, एक्स बच जाएगा। चैप्टर टू में आपने सीखा होगा इनवर्स वाले में कि अगर इनवर्स हटता है, अगर राइट से इनवर्स हटेगा तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये वाई के साथ में बन जाएगा कॉस वाई, और यहाँ बच जाएगा आपका एक्स, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर बस वही किया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इसके बाद आपको क्या करना है, डिफ्रेंसिएशन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख ले डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, ठीक है। एक्स का फंक्शन है तो दोनों ओर आपको x के सापेक्ष अवकलन करके चलना है, ठीक है। तो हिंदी माध्यम वाले बच्चे क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो अब देखिए डिफरेंशिएशन d अपॉन dx किसका, cos y का, इक्वल टू d अपॉन dx x का, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा cos y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस में sin y होगा, बट y यहां पर y के स्थान पर यहाँ x होना चाहिए था, लेकिन x के स्थान पर यहाँ y है। अगर x के स्थान पर कुछ और होगा तो उसका जो अवकलन होगा दोबारा होगा, ठीक है। चेन रूल क्या कहता है, अगर x के स्थान पर y, अगर x के अलावा कुछ और है एंगल में तो उसका डिफ्रेंसिएशन हम दोबारा करते हैं, ठीक है। यहाँ पर y है तो हमें y का यहाँ पर दोबारा करना पड़ेगा x के सापेक्ष, तो यही क्या होता है, चेन रूल होता है। तो dy अपॉन dx, ठीक है। इसके बाद देखिए x का x के रेस्पेक्ट में वन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आप dy अपॉन dx की वैल्यू निकाल ले, तो dy अपॉन dx कितना होगा, देखिए वन तो एज इट इज है, ठीक है। माइनस का साइन y डिवाइड में आएगा तो कितना बचेगा, माइनस मैंने यहाँ पे लगा दिया बाहर, और साइन y अपॉन में आ गया, ठीक है। चलो अब ध्यान दीजिएगा dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस एज इट इज है, इस साइन वाई को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए मैंने बताया था कि साइन वाई को हम लिख सकते हैं अंडर रूट में वन माइनस में कॉस वाई, ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक है। अब देखिए साइन वाई को मैं क्या लिख रहा हूँ, अंडर रूट में वन माइनस में कॉस वाई, ठीक है। अब कैसे लिखा है, देखिए फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर वाई प्लस में कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू वन होता है। मुझे साइन वाई चाहिए तो साइन स्क्वायर वाई को मैंने लेफ्ट में रहने दिया, कॉस स्क्वायर वाई राइट में जाएगा तो माइनस का बन जाएगा कॉस स्क्वायर वाई, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो वहाँ पे रूट आएगा, देखिए ऐसे लिखा है मैंने, ठीक है। साइन वाई का जो सूत्र बना है वो क्या बना है, रूट वन माइनस में कॉस स्क्वायर वाई, ठीक है। चलो अब डायरेक्ट मैंने यहाँ पर रख दिया है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स सेम है, माइनस एज इट इज वन अपॉन में वन माइनस में कॉस वाई, देखिए कॉस वाई की वैल्यू कितनी है, एक्स है, तो यहाँ पर एक्स आप पुट कर ले, ठीक है। यहाँ पर स्क्वायर भी होता तो यहाँ पर आपको स्क्वायर लगाना जरूरी है, ठीक है। स्क्वायर होता है ना, देखिए साइन वाई का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर आपको स्क्वायर लगाना था, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, साइन वाई का फॉर्मूला होता है वन माइनस में कॉस स्क्वायर वाई, ठीक है।
तो अब यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब देखिए डी अपॉन डी एक्स को मैंने सेम लिख लिया है, वाई की वैल्यू क्या है, वाई मैंने किसको माना था, फंक्शन कॉस इनवर्स एक्स को माना था। ठीक है, तो यहाँ पर वाई की वैल्यू पुट कर लो आप, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू यहाँ क्या चल रहा था, माइनस वन अपॉन में अंडर रूट में वन माइनस में एक्स स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में ऐसे बंद कर ले और यहाँ लिख ले हैंस प्रूव, तो यही आपको प्रूव करना है, हैंस प्रूव। ठीक है, ठीक है, बस आपको यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, इनवर्स यहाँ से हटेगा जब अगर ये कॉस लेफ्ट में आएगा तो यहाँ वाई के साथ जुड़ जाएगा और यहाँ से इनवर्स हट जाएगा, अगर इसको वापस में अगर एक्स के साथ भेजूँ तो ये यहाँ पर क्या बन जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक्स की वैल्यू आपको मिल गई है, यहाँ एक्स के सापेक्ष आपको अवकलन करना है, यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, मल्टीप्लाई का फंक्शन डिवाइड में आएगा और साइन वाई का फॉर्मूला क्या होता है, रूट वन माइनस में कॉस स्क्वायर वाई, और कॉस वाई की वैल्यू हमारे पास पहले से एक्स थी, यहाँ पर पुट कर लिया तो ये फॉर्मूला सिद्ध हो गया। ठीक है, चलो इसको पहले सभी बच्चे नोट कर ले और इसको आपको रिजल्ट की फॉर्म में याद रखना है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चंस में डायरेक्ट अप्लाई होगा, तो पहले इसको नोट कर ले। अब डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिए आपको क्या प्रूव करना है, आपको यहाँ पर प्रूव करना है देखिए कि सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स का अवकलज वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये रिजल्ट आपको प्रूव करना है। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ लिख लें आप सॉल्यूशन, इसको सिद्ध करना है तो प्रूफ लिख लें, यहाँ पर प्रूफ यानी उपपत्ति, हिंदी में क्या लिखते हैं, उपपत्ति, इसके बाद गिवन, गिवन का मतलब दिया है। ठीक है, जो फंक्शन आपको दिया है पहले वो लिख ले आप, गिवन क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स है। ठीक है, फंक्शन को हम क्या मान के चलते हैं, वाई भी मान सकते हैं, तो लेट माना, हिंदी में क्या बोलते हैं, माना एफ एक्स को मैंने वाई मान लिया, वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, देयर फॉर टेन जब लेफ्ट में आएगा तो क्या बन जाएगा, टेन वाई बन जाएगा, इनवर्स हट जाएगा लेफ्ट में आते ही, और यहाँ केवल एक्स बच जाएगा। ठीक है, यानी एक्स की वैल्यू कितनी निकाल दी मैंने, टेन वाई निकाल दी। ठीक है, इसके बाद क्या करती है, अगला स्टेप क्या रहता है, डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, यानी दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, ऐसे आपको लिख लेना हिंदी में। अब देखिए डी अपॉन डी एक्स टेन वाई, और यहाँ पर देखिए डी अपॉन डी एक्स एक्स है। ठीक है, टेन वाई का डिफ्रेंसिएशन क्या पढ़ा था आपने पीछे, सेक स्क्वायर वाई होता है। अब देखिए एक्स के स्थान पर वाई है तो वाई का आपको दोबारा करना है। ठीक है, अगर एक्स के स्थान पर कुछ और वैल्यू अगर यहाँ एंगल में है तो उसका डिफ्रेंसिएशन हम दोबारा करते हैं, ये क्या होता है, चेन रूल कहता है। ठीक है, तो चेन रूल आपने सीखा है फर्स्ट ईयर में भी, तो अब देखिए वाई का आपको दोबारा करना, अगर एक्स के स्थान पर अगर कुछ और है एंगल में तो उसका आपको अवकलन दोबारा करना है। देखिए यहाँ अगर एक्स होता तो यहाँ हम इसको बिल्कुल सेम लिख लेते, लेकिन यहाँ वाई है तो वाई का आपको दोबारा करना पड़ेगा, कि वाई देखिए वाई का एक्स के सापेक्ष क्या हो, डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अगर एक्स के स्थान पर कुछ हो रहा है तो उसका अवकलन हम दोबारा करते हैं, तो y का क्या होगा, x के सापेक्ष dy वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, और x के सापेक्ष 1 होता है। ठीक है, x का डिफ्रेंसिएशन x के सापेक्ष 1 होता है, ये मैंने आपको पीछे लिखवाया फार्मूला। अब यहाँ से देखिए आप dy वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकाल ले पहले। ठीक है, 1 सेम है, मल्टीप्लाई का जो sec स्क्वायर वाई है ये डिवाइड में आएगा sec स्क्वायर वाई। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्री का एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, अगर आपको याद होगा कि वन प्लस में टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, अगर यहाँ थीटा की वैल्यू वाई है तो यानी सेक स्क्वायर, अगर यहाँ पर मैं वाई रख दूँ तो सेक स्क्वायर वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन प्लस में टेन स्क्वायर वाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू ये वाली पुट कर लो आप इसके नीचे, तो ठीक है, तो मैं sec स्क्वायर वाई को क्या लिख सकता हूँ, वन प्लस टेन स्क्वायर वाई लिख सकता हूँ। ठीक है, इसका फॉर्मूला है, अब देखिए dy वाई अपॉन डी एक्स को आप सेम रख ले, वन अपॉन में वन प्लस टेन वाई, देखिए टेन वाई की वैल्यू कितनी है, x है, तो यहाँ पर x पुट कर ले, ऊपर स्क्वायर चल रहा है, यहाँ आपको स्क्वायर लगा देना है। ठीक है, अब देखिए d अपॉन डी एक्स
y, देखिए y फंक्शन क्या है मेरे पास, y मैंने किसको माना था, tan इनवर्स x को माना था, तो y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर ले tan इनवर्स x, ठीक है। और इसके बाद देखिए 1/1 + x² चल रहा है, ठीक है। तो अब देखिए आपने क्या प्रूव कर दिया है, डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x इक्वल टू 1/1 + x², tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आपने क्या प्रूव कर दिया है, 1/1 + x². अब इस रिजल्ट को आपको एज ए फार्मूला यूज करना है, ठीक है। तो आपको पहले इसको याद रखना है, ठीक है, अलग कॉपी में लिख करके आपको इनको याद रखना है। जो भी रिजल्ट मैंने समझाया है आज के लेक्चर में, वो सारे आपको फॉर्मूले के हिसाब से याद करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख लें हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, ये सभी फॉर्मूले बिल्कुल आपको सही से लिख लेने हैं, ठीक है। तो इसको आपने नोट कर लिया होगा, इसको मैं अब रफ कर लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद ध्यान से देखिए, आज के लेक्चर में हमने जितने भी रिजल्ट प्रूव किए हैं वो मैं सभी एक साथ लिखता हूँ। अब वो आपको एज ए फार्मूला यूज करना पड़ेगा और उनको याद करना है, ठीक है। जो रिजल्ट मैंने आज के लेक्चर में आपको प्रूव करके दिखाए, बाकी दो फार्मूले आपकी हो रहेगी है, वो भी आपको मैं कल सिद्ध करा के दिखा दूँगा कल के लेक्चर में। अभी आपको फ़िलहाल जो फार्मूले मैंने सिद्ध कराए हैं वो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए, पहले मैं यहाँ पर आपको वही फार्मूले लिखता हूँ जो मैंने अभी सिद्ध की है, अलग से आपको उनको याद करना है, ठीक है। अब देखिए, सबसे फर्स्ट वाला रिजल्ट हमने क्या प्रूव किया है कि d/dx a की पावर x का रिजल्ट क्या होता है, a की पावर x log बेस ee ये होता है। दूसरा रिजल्ट हमने क्या प्रूव किया है, d/dx a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x होता है। और तीसरा रिजल्ट हमने क्या प्रूव किया है कि d/dx log x, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है। उसके बाद चौथा रिजल्ट हमने क्या प्रूव किया है, d/dx साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/√1 − x² और उसके बाद पांचवा रिजल्ट हमने क्या प्रूव किया है, d/dx कॉस इनवर्स x का रिजल्ट क्या होता है, 1/−√1 − x² होता है। और चौथा रिजल्ट हमने, मतलब छठा रिजल्ट हमने क्या प्रूव किया है कि d/dx tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है 1/1 + x² होता है। तो ये सभी फार्मूले आपको एज ए रिजल्ट याद रखना है, ठीक है। दो फार्मूले आपकी हो रह गए हैं, वो मैं आपको कल के लेक्चर में सिद्ध करा के दिखा दूंगा। अभी जो मैंने सिद्ध की है ये आपको अलग सी कॉपी में लिख करके इनको याद रखना है, ठीक है। तो आज के लेक्चर को बेसिकली मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।